الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان جی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت بڑی عقیدت اور احترام سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ ایک عظیم معاہدہ ایگریمنٹ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مکہ کے قریش کے مابین منعقد ہوا اس پر ہم نے بات شروع کی اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی روشنی میں جو ہمیں
बरकत और नूरानियत अता होती है, उस पर मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार की थी। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में एक रहनुमा उसूल और उसके जिमन में फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के आदाब पर कुछ बात करने की सआदत हासिल की थी। आज मैं बगैर किसी तमहीद के सुलह हुदैबिया, उसकी जो शरायत थी उस पर कुछ तज़िया, उसके असरात पर बात करूंगा और उस मुआहिदा के तहरीर किए जाने के वक्त उरवा बिन मसूद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और कुरैश की तरफ से सफीर बनकर डायलॉग करने के लिए नुमाइंदा बन के आए, जब वो मुआहिदा लिखा जा रहा था और उसके बाद उसने अपनी जो ऑब्जर्वेशन वापस जाने के बाद कुरैश मक्का के सामने रखी, वो भी मैं अर्ज करूंगा और उसकी रोशनी में फिर कुछ उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियों पर भी बात करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें इसको समझने की और हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। पांच शरायत थी जो उस मौका पर तय पाई। एक एक शर्त उसके असरात और उस पर थोड़ा सा तज़िया और उसकी रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदब वाला लफ्ज तो मुझे डिक्शनरी में मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बाज़ कैफियात को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं होता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बसीरत है, बालिग नजरी है, दूर अंदेशी है, वो ज़ाहिर है मबनी बर वही है, उसकी बुनियाद वही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म और उसकी मर्जी है, क्योंकि आपकी शान वमा यंतिकु अनिल हवा है। उस पूरे पसे मंजर में अगर देखें तो उम्मत को कायदा कुल्लिया तो अता ये हो गया कि मा आता कुमुर रसूल फखुदू, जो अल्लाह का रसूल तुम्हें अता करे उसे चुप करके ले लो, वमा नहा कुम अन्हु फन्तहु, और जिस काम से रोक दें तुम्हारी समझ में आए या ना आए, तुम्हारी इल्म और तुम्हारे अकल की रसाई वहां तक हो या ना हो, वो तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल जाहिरी तौर पर न भी हो, लेकिन हुक्म यह है कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। ये अदब है और इस पर अमल हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इज़ाम उनकी मुबारक जिंदगियों से मिलता है। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी, आपने भी इस पर गुफ्तगू फरमाई सुलह हुदैबिया पर, आपने फरमाया कि ज़ाहिरन इसकी जो जितने भी मुआहदे की शिक्के हैं, जितने उसके मुंदरजात और जो भी उसके आर्टिकल्स हैं, वो बज़ाहिर सुनने वाले को और उस वक़्त से सहाबा इज़ाम को भी बज़ाहिर दबते हुए पता चलते थे कि यार हम शायद दब रहे हैं, हम कुफार के मुकाबले में हम पीछे हट रहे हैं और हम शायद बज़ाहिर ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, और इसका इजहार भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। जब ये मुआहिदा लिखा गया ना,
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, तमाम हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा सबसे आबा मौजूद थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? बिल्कुल सच्चा मजहब है। आप अल्लाह के रसूल नहीं है? फरमाया अल्लाह का रसूल है, साकी कोई नहीं। मैं, क्या हम हक पे नहीं है? बिल्कुल हक पर हैं। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी तबीयत और उनके मिजाज में जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से वदियत फरमाई हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने पूछा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल, साथ फरमाया क्या हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं है? फरमाया बिल्कुल वो बातिल पर हैं। तो फरमाने लगे कि फिर हम अपने दीन को जलील क्यों करें इस तरह की शर्तें तय करके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताईद में फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, बल्कि एक जगह यह मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चूंकि ख्वाब देखा ना, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक लतदखुलुन्नल मस्जिद अल हराम इंशा अल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तखाफून। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हुज़ूर आपने ख्वाब नहीं देखा था कि हम मस्जिद हराम में दाखिल होंगे, तवाफ करेंगे? फरमाया बिल्कुल देखा। फरमाया फिर वापस क्यों जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ये तो नहीं कहा था कि हम इसी साल जाएंगे। ख्वाब है मबनी पर वही है, सच्चा जरूर होगा। ये तो नहीं कहा था ना कि इसी साल जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ये फरमाया करते थे, ये उजलत में सवाल किए ना, जल्दी में सवाल किए, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में अपनी चंद जिन चीजों पे शर्मिंदगी महसूस करते थे ना, उनमें से एक ये भी बात थी कि उमर तुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, तुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था चुप करके, वैसे तुझे कर लेना चाहिए था। तो बज़ाहिर आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत फरमाते हैं कि ये जो शरायत हैं ये दबी हुई महसूस होती थी, लेकिन आने वाले वक्त ने इस मुआहदे की रोशनी में यह जाहिर कर दिया कि बज़ाहिर ये शरायत और मोमिन दबे हुए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए अन करीब एक बड़ी फतह के दरवाजे खोल दिए। मैं आपको आगे एनालिसिस करके बताता हूं कि वो कैसे हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ही फतेह मुबीन करार दिया कि जिसे तुम बज़ाहिर पसपाई समझ रहे हो, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब आपको तो फतेह मुबीन अता कर दी है। और इसकी वजह से फिर जो असरात मुरतब हुए इस मुआहदा की वजह से, जंग रुक गई, पाबंदी लग गई ना, आगे मैं शिकवार बताऊंगा, जब जंग रुक गई खतरा टल गया, वह कोई हमला एक दूसरे पे नहीं करेगा, हुजूर के गुलामों ने खुल खुला के तबलीग करना शुरू कर दी। एक एक शिक पे मैं आपको आगे बताता हूं एनालिसिस करके कि उसके असरात कैसे मुरतब हुए, लेकिन इसकी वजह से खित्ता अरब में, पूरे के पूरे खित्ते अरब में 3 साल के अंदर, मुआहदा होने के 3 साल के बाद इतना काम, मुसलमान इतनी तादाद में हुए, कबाइल इतने हलीफ बन गए और मुसलमानों के लिए फिजा इतनी साजगार हो गई कि पिछले 10 सालों में इतना काम नहीं हुआ था जितना 3 साल में हो गया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली, बालिग नजरी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मबनी पर हिकमत, एक कामयाब लीडर की हैसियत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसकी रहनुमाई फरमाई। और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि सुलह हुदैबिया वो है कि जिसे अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खारजी सियासत, खारजा पॉलिसी का अगर शाहकार कहा जाए तो दुरुस्त होगा। इसकी वजह से कैसे आगे मुसलमानों के लिए आसानियां हुई, आइए मैं आपको वन बाय वन बताता हूं ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो
और इसकी रोशनी में हमें अपनी अमली जिंदगी में और बहुत सारी चीजें कैसे हम उसको बरकत और इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पहली शर्त यह थी कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, इस साल अगले साल आएंगे, 3 दिन क्याम करेंगे, उमरा करने की इजाजत होगी, तलवारें साथ लेकर बेशक आ जाएं, लेकिन नियाम के अंदर रहेंगी, नंगी तलवार नहीं लानी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया, ठीक है जी हम इस साल वापस जाते हैं और इस साल उमरा नहीं करेंगे। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो कुरैश मक्का ने मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा रखी थी कि ये हरम में कभी नहीं आ सकते, ये मक्के में कभी दाखिल नहीं हो सकते। बजाहिर एक साल की पाबंदी थी, बजाहिर एक साल की पाबंदी थी कि एक साल नहीं आ सकते, लेकिन उसकी रोशनी में हमेशा के लिए इस पाबंदी का खात्मा हो गया। आप अगर गौर करें कि मुस्तकिल पाबंदी थी, लेकिन जब यह मुआहदा हो गया कि साल के बाद आ सकते हैं, तो उन्होंने मान लिया कि जनाब अब इनको रोका तो नहीं जा सकता, अब ये आकर रहेंगे, और इसकी जिमन में वो पाबंदी हमेशा के लिए खत्म हो गई कि अब मुसलमान जब चाहे आ सकते हैं। बजाहिर एक साल के लिए ये रोका गया, लेकिन उसके जिमन में हमेशा के लिए ये पाबंदी मुसलमानों से खत्म कर दी गई कि वो जब भी चाहें उम्रे के लिए जा सकते हैं और अल्लाह के घर का तवाफ कर सकते हैं। दूसरी शिक यह थी कि 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं होगी, 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो चाहते ही यही थे। आप अगर गौर करें गज़वा बदर पर, गज़वा उहद पर, इन दोनों जंगों पे गौर करें तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की डिफेंसिव वार है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलकर हमला नहीं किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दिफा के लिए मुसलमानों की जान माल इज्जत मदीना मुनव्वरा के डिफेंस और दिफा के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दोनों जंगें, गज़वा उहद भी है, बदर भी है, खंदक भी है, ये तीनों जंगें अगर देखा जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिफाजत की नुक्ता नजर से लड़ी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी इस तरह बढ़कर ऊपर चढ़ाई करके तो ये मिलता ही नहीं है, सिवाय इसके अगर कोई जुल्म करे ज्यादती करे पहले तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ना फिर हुण बच के नहीं जा सकता, फिर हाथ रोका जाएगा, फिर जुल्म से उसे रोका जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो चाहते ही यही थे। अब 10 साल जब ये मुआहदा हो गया भाई जंग नहीं होनी, खतरा टल गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को आजादी मिल गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हर किस्म के खतरे के बगैर, दूसरा 10 साल का गैप आने से अफरादी कुव्वत, जंगी कुव्वत, बाकी असहाबी कुव्वत, वो पूरा एक गैप मिल गया मुसलमानों को हर तरह की तैयारी के लिए। और अगर देखा जाए तो दरे पर्दा कुरैश मक्का ने मुसलमानों की कुव्वत को तस्लीम भी कर लिया था। क्या मतलब कि यार इन्हें ना टक्कर तो नहीं ले जा सकती, इनसे टक्कर नहीं ली जा सकती, इनको टाला ही जा सकता है। तो ये जो शरायत में से ये शर्त है, ये भी बजाहिर और हकीकतन ये मुसलमानों के हक में थी। तीसरी शर्त यह थी कि अरब के जो कबाइल हैं कुरैश के अलावा बाकी जितने कबीले हैं उन्हें इख्तियार होगा कि वो कुरैश के साथ मिलना चाहें तो हमारे साथ मिल जाएं, तुम्हारे साथ मिलना चाहें तो तुम्हारे साथ मिल जाएं, आजादी होगी। अल्लाह अकबर, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक, हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शख्सियत और तालीमात की सहर अंगेजी, उसका यह असर हुआ। भाई बात यह है कि जो हुजूर के कदमों में एक दफा आ गया, जिसने सरकार के जलवों का दीदार कर लिया, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के करम के हाले में आ गया, सरकार के कदमों में एक दफा आ गया, फिर किस्मत ने उसके लिए फैसला कर दिया, अब ये बिलक बिलक के जान तो दे देगा, कदमों से दूर नहीं होगा, वापस नहीं होगा।
इस शर्त का एक मतलब यह भी था कि मक्के के कबाइल में से जो शख्स मुसलमान होना चाहे, मक्के के कबाइल में से जो भी इस्लाम कबूल करना चाहे वो अपनी खुशी से कर सकता, वो अपनी खुशी से अपने बारे में जो फैसला करना चाहे वो कर सकता है। तो ये तो बात ही मुसलमानों की फेवर में थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो चाहते ही यही थे, और यही वजह है मैंने जैसे बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर कबाइल की तरफ पैगामात भेजे, समझ आ गई, कबाइल में से नुमाइंदगान आए, उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस से सोबत में जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के और नबूवत के जलवों के मनाजिर देखे तो फिर वो सारे के सारे वापस कबीले में जाकर कहते थे कि जनाब ये गुलामी आजादी से बेहतर है, ये गुलामी आजादी से बेहतर। भाई दुनिया का हर फर्द आजादी चाहता है, दुनिया का हर फर्द आजादी चाहता है, लेकिन आका करीम आपकी क्या शान है, दुनिया का हर फर्द आजादी चाहता है लेकिन जो आजादी चाहता है वो आपकी गुलामी चाहता है, वो आपका गुलाम बनना चाहता है, खुशी से आपकी गुलामी में आना चाहता है। चुनाचे इस आजाद 10 साल के लिए जो ये लगी कि जो भी शर्त ये तय पाई कि जो भी जिस कबीले का फर्द जिसके साथ जिसका हलीफ बनना चाहे बन सकता है, तो कसरत के साथ फिर मुसलमानों के साथ लोग आए और इस्लाम में आए और इस्लाम को फैलने का मौका मिला। एक शर्त जो बज़ाहिर बड़ी काबिल गौर भी है और जिसके अंदर यह नजर आता है कि मुसलमान बहुत दब गए, वो शर्त यह थी कि अगर मक्के का कोई बंदा मुसलमान होकर मदीने जाएगा तो उसे वापस कर दिया जाए, और मदीने का कोई बंदा अगर भाग कर मक्के आएगा तो हम उसे वापस नहीं छोड़ेंगे। मदीने से अगर कोई बंदा भाग कर मक्के जाएगा हम उसे वापस नहीं करेंगे, और अगर मक्के से कोई बंदा भाग कर मुसलमान होके जाएगा तो फिर तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अब इस शर्त के ऊपर बज़ाहिर एक हर सलीम उल फितरत शख्स जो है वो ये कहता है कि यार ये तो बड़ी एक अजीब और बड़ी खतरनाक और बड़ी कमजोर पड़ने वाली ये शर्त है, जरा इसके ऊपर गौर करें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो हिकमत है उस पर सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात ये है कि जो हुजूर का गुलाम है मदीने में रहने वाला है, जो सरकार का गुलाम बन गया, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गया, पहला सवाल तो यह है कि भाज के मक्के जाएगा क्यों, सवाल है ना भाई, जो हुजूर की गुलामी में आ गया है वो वापस मक्के जाएगा क्यों, अगर जाएगा तो मुर्तद होके जाएगा, तो जब मुर्तद होके जा रहा है तो जाए जहन्नम में, सानू दी लोड़ी कोई नहीं। यह है मदीने से जाने वालों का हाल। हाँ, जो मक्के से आने वाला है तो उसके लिए शर्त यह थी कि वो मदीने में नहीं आएगा, मदीने में नहीं आएगा। अबू जंदल आए बेड़ियां पहने हुए, हुजूर अभी मुआहदा लिखा जा रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त वादे की पाबंदी फरमाया ना अब मुआहदा हो गया तू वापस जा, अल्लाह ताला तेरे लिए वुसअत के रास्ते निकाल देगा। मदीने में आने पे पाबंदी थी ना, तवज्जो है, पाबंदी मदीने पे आने पे थी ना। कितने ही थे जो मुसलमान हुए और मुसलमान होकर मदीने नहीं आए, और जगह चल के इकट्ठा होना शुरू हो गए, बात समझ गए, और जब वो इकट्ठा होना शुरू हो गया तो लग काफरा भी समझ गए यार असी कितने फंस गए, बात समझ गए। तो ये बज़ाहिर ये लगता था, लेकिन अगर इस पे गौर करें तो मदीने से कोई जाएगा क्यों, तो अगर वहां से आएगा तो मदीने आने की बजाय हबशे का दरवाजा खुला हुआ है वहां चला जाए, किसी और जगह चल के क्याम कर ले और फिर मुसलमानों के वाजे गलबे और फतह का इंतजार करे, या फिर इस मुआहदे का जो अंजाम हुआ वो आगे चल के मैं बताऊंगा। तो ये बज़ाहिर ये शर्तें थी, लेकिन उसके असरात और उसके फवायद जो हैं उस पर मैंने मुख्तसर सी बात की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस हिकमत के साथ इस वायदे को किया और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अल्टीमेटली थोड़े ही अरसे में मुसलमानों को मिल गए
और मिलना शुरू हो गए, और काफिरों को बाद में एहसास होना शुरू हो गया कि ओ हो हमने ये मुआहदा करके तो अपने हाथ काट के दे दिए मुसलमानों को, यार अब हम क्या कर सकते हैं। तो बजाहिर ये हालात के खिलाफ लगता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबनी बर वही, मबनी बर हिकमत जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये मुआहदात किए हैं उसकी रोशनी में हर एक मुसलमानों के फायदे में थी। इसके जमन में आखिर में एक बात मैं और अर्ज कर दूं, इनको सुनने और इसकी तफसील के बाद हमें जो चंद एक फवायद इससे मिलते हैं, एक तो ये मिलता है भाई हालात की नजाकत देखते हुए, नजाकत का अंदाजा लगाते हुए हर दफा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि दूर अंदेशी से भी कभी काम ले लेना चाहिए। ताकत होते हुए भी ताकत का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए, बल्कि वक्ती तौर पर अगर कुछ मोहलत मिल जाए, कुछ टाइम मिल जाए दूर अंदेशी से काम लेते हुए, तो यह फायदा मंद होता है। दूसरा यह भी पता चला कि बड़े फवायद हासिल करने के लिए, बड़े फवायद हासिल करने के लिए बार दफा छोटा फायदा छोड़ना पड़ता है। कसीर फवायद हासिल करने के लिए कलील फवायद को बार दफा छोड़ना पड़ता है। आप बार दफा छोटा प्रॉफिट नहीं लेते, वेट कर लेते हैं, इंतजार करते हैं, आपको उससे कई गुना बड़ा मुनाफा मिल जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर फौरी उमरा का जो फायदा था उससे हुजूर विदड्रा हुए, लेकिन उसकी रोशनी में हमेशा के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा और उम्मत के लिए कसीर फवायद और कसीर अहवाल जो हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता हुए। और अगर फितना फसाद लड़ाई झगड़े का खदशा हो, ये भी इससे बरकत हासिल होती है। एक जनरल इंप्लीमेंटेशन जो एक दायमी उसूल मिलता है कि अगर लड़ाई झगड़े का खदशा हो, दस्तों गरेबां होने का या कत्ल का खदशा हो, तो उस वक्त सब्र करके पीछे हट जाना, उस मौका को टाल देना, बात समझ गए, वक्ती तौर पर पीछे हट जाना, यह जानों को भी महफूज करता है, इज्जत को भी महफूज करता है, और आने वाले वक्त में फवायद ज्यादा अता करता है। यह हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में, खानगी जिंदगी में, फैमिली सिस्टम में, बरादरी के झगड़ों में, जायदाद के झगड़ों में, बहुत सारे मामलात में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं कि लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि थोड़ा रिवर्स हो जाएं, बैक चले जाएं, गैप दे दें, और उसकी बरकत से ज्यादा फायदा मिलता है। जान भी बच जाती है, माल भी बच जाता है, इज्जत भी महफूज रहती है, और वो फवायद भी कई गुना बढ़कर ज्यादा अता हो जाते हैं। और अगर इंतजार करने में फायदा मिलता हो तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। इंतजार करने से अगर फवायद मिलते हों तो फिर जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये वो उमूमी अहवाल हैं, उमूमी फवायद हैं जो इससे हमें हासिल होते हैं। मुआहदा जब लिखा जा रहा था, उरवा बिन मसूद आए, मुआहदा लिखा जाना शुरू हुआ, उसके मंदरजात में जब उसकी इब्तिदा होने लगी ना जनाब, शुरू में ही हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला उनकी ड्यूटी लगी। और यहां मैं ये बताता चलूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब उदैबिया के मकाम पे पहुंचे ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां क्याम फरमाया वहां पर एक छोटा सा चश्मा था पानी का, सहाबा ने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया वह खत्म ना हो जाए, लेकिन इतनी तादाद थी पानी खत्म हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी का मामला दरपेश हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना तीर अता फरमाया, तीर फरमाया चल के उस चश्मे के अंदर डाल। अल्लाह अकबर, मौजज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम का जाहिर हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो तीर जब उसके अंदर डाला गया तो चश्मा उबल कर सम गया। और जब तक हुजूर के सहाबा वहां रहे किसी को वहां पर पानी की किल्लत पैदा नहीं हुई है। जब यह मुआहदा लिखा जा रहा था तो चंद एक मनाजिर जो मोहब्बत वाले हैं, उरवा बिन मसूद ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा
थोड़ा दबाने की कोशिश की कि आप मान जाएं, समझ आ गई। और साथ ये कहा कि ये जो आपके दाएं बाएं खड़े हुए हैं ना, हुजूर के गुलामों की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो दाएं बाएं आपके लोग खड़े हुए हैं ये भाग जाएंगे, आप कुरैश से हैं हमारे साथ मिल जाएं, ये जो दाएं बाएं आपके खड़े हुए हैं ये भाग जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, आपने जब ये उरवा बिन मसूद की बात सुनी कि वो ये कह रहा है कि हम भाग जाएंगे, उन्होंने फरमाया भाई तू कहता है हम रसूलुल्लाह से भाग जाएंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ देंगे, ये कभी नहीं हो सकता, हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे लेकिन हुजूर की गुलामी से सर पीछे नहीं कर सकते। और वहां पे अरबी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गाल कड्डी सी उरवा बिन मसूद, ओम सुस बाजार अल्लात, बहने बेटियां सुन रही हैं मैं इसका तर्जमा नहीं कर सकता, हया के मनाफी है। ए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हुजूर के दुश्मनों को दी, मैं खल हो जा तू कहना हम भाग जाएंगे हुजूर से, हम अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, हुजूर के साथ से इधर उधर नहीं होंगे। वादा लिखा जाना तो उरवा बिन मसूद जो है ना, वो जो अपना हाथ था ना वो हुजूर की दाढ़ी मुबारक के करीब लेके जाता था, बात करते हुए अपना हाथ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ लेके जाता था। हजरत मुगीरा बिन शोबा हुजूर के सहाबी, हुजूर के सराहाने खड़े हुए थे, तलवार ने आम में थी दस्ते पे हाथ रखा, उल्टी करके ना तलवार उसका जो दस्ता है ना उरवा बिन मसूद के हाथ में मारा, फरमा आखिर यादा कार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, माया बदबख्त अपना हाथ मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक से पीछे रख के बात कर, खबरदार जो हुजूर की दाढ़ी मुबारक तूने हाथ लगाया, हालांकि वो बेअदबी की नीयत से नहीं कर रहा था लेकिन मजलिस के आदाब में हुजूर के गुलाम ने इतना भी बर्दाश्त नहीं किया। तवज्जो है आप, हुजूर के गुलाम के अमल से जो सबक मिला वो भी बता दूं। आप जो मोहब्बत वाला जुमला सुनते हैं ना कि जो आंख हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस की तरफ बुरी निगाह से उठेगी वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो हाथ बढ़ेगा वो हाथ काट दिया जाएगा, जो जबान खोलेगी वो जबान काट दी जाएगी, जो दिमाग और सर उठाएगा हुजूर की बदबख्ती में और हुजूर के नामूस की तरफ बुरी नीयत के साथ उसे जमीन पे फिर जिंदा रहने का हक नहीं मिलेगा। ये आशिकों का वो फैसला है, सुन ले, ये उस शाक का वो फैसला है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर की मौजूदगी में ये कानून बना हुआ है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से इसको तस्दीक अता फरमाई हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोका तो नहीं, फरमाया नहीं चढ़ दे, कुछ नहीं फरमाया, ना उस इश्क की उस मोहब्बत वाली बात को हुजूर अलैहिस्सलाम ने तस्दीक अता फरमाई और उसके हाथ को हजरत मुगीरा बिन शोबा ने छटक दिया। अब जो मनाजिर देखे उरवा बिन मसूद ने, वापस जब गया ना तो वापस जाकर उसने पांच चीजें हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की, पांच खसूसियात जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अदब पर मुश्तमिल हैं वो चल के उसने अपनी कौम को बताई। वो पांचों में आपको बताता हूं कि वो पांच कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात तो ये, उसने ये कहा कि जो अस्हाबे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा बड़े बड़े दरबारों में गया हूं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में मैं तुम्हारी तरफ से सफीर बना के भेजा गया हूं, लेकिन जो अदब और जो एहतराम हुजूर के अस्हाब हुजूर का करते हैं मैंने रूए जमीन पर किसी को नहीं देखा। उसकी उसने एग्जाम्पल्स दी कौन कौन सी। पहली उसने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी अपना लुआब मुबारक
नुखामा मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम, जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम फेंकते हैं वो जमीन पे नहीं गिरता। ले आओ मेडिकल साइंस है थे, ले आओ नवी रिसर्च जितनी भी है, ये लुआबे रसूल है, ये नुखामे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फवल्लाही मा तनखम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वकअत फी कफ रजुल मिनहुम। फरमाया जमीन ते नहीं डिगदा, वो किसी न किसी गुलाम दे हाथ उत्ते डिगदा। और उसके बाद वो क्या करते हैं उसके साथ, फदल्लक बिहा वजहहू व जिल्दहू, कोई उसे अपने मुंह पे मल लेता है, कोई अपने सीने पे मल। ये बातें इश्क के साथ समझ आती है, इश्क के साथ, अकल आलिया नहीं गल्ला, ये मोहब्बत और इश्क की बात। दूसरा अदब, वइदा अमरहुम इब्तदरू अमरहू, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ टिकटिकी ऐसे तवज्जो लगा के देखते रहते हैं, हुजूर की जुबान पाक से कोई काम करने का इशारा होता है ना तो सारे ही दौड़ पड़ते हैं करने के लिए। वो ये नहीं देखते कि किसको कहा है, सारे ही आगे बढ़ते जाते हैं ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करने के लिए लब्बैक कहें। तीसरा, वइदा तवब्बा कादू यक्ततिलून अला वुदूइही, जब वजू फरमाते हैं ना, जब वजू फरमाते हैं तो वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, अपनी हथेलियों पे लेते हैं और उसके लिए उनके अंदर ऐसी शौक और ऐसी मुसाबकत और ऐसा मुकाबला होता है, मुझे लगता था कि कहीं ये वजू के पानी के लिए लड़ ना पड़े आपस में। और दूसरी हदीस में उसकी वजाहत है कि जिसको पानी मिलता वो पानी सर पे डाल रहा है, वो आंखों पे लगा रहा है, वो चेहरे पे मल रहा है, वो सीने पे लगा रहा है, और अगर सहाबा दूर हैं और बराह रास्त पानी नहीं पहुंचा तो जिस हुजूर के सहाबी का हाथ तर होता था उस तर हाथ से हाथ मल के बरकत हासिल कर ले। ये अदब मुस्तफा, इश्क मुस्तफा की वो राहें हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हमें अता फरमाई। नंबर चार, وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، آئے آئے، حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے ہیں، جب کلام فرماتے ہیں نا، ایک اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کرتے، جنبش نہیں کرتے، اور اپنی آوازوں کو نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہیں کرتے۔ اور پانچواں ادب یہ بتایا، وَمَا يَحُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرُ تَعْزِيمًا لَّهُ، بخاری شریف کی حدیث سے باقی اقتباسات ہیں، فرمایا میں نے کسی صحابی کو بھی نظر بھر کے حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹکٹکی باندھ کر نظر بھر کے حضور کا کوئی غلام ادب کی وجہ سے حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی میں، یہ مناظر میں نے دیکھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے ادب کی یہ کیفیات میں نے وہاں اپنی نظروں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ اور ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، ادب، عشق، احترام اور آواز پر لبیک کہنے کے یہ مناظر میں نے اپنی نظروں سے کہیں نہیں دیکھے ہیں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ معاہدہ کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اس کا فائدہ ایک اور یہ ہوا کہ بے شمار لوگ وہ تھے جو حضور علیہ السلام کے غلام، ایمان قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے ابھی اپنے آپ ایمان کو چھپایا ہوا تھا، مکے میں رہتے تھے، ان پورے سالوں میں حضور کے ان غلاموں کو آگے تبلیغ کرنے کا اور غلام مزید اضافہ کرنے کا اور اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کا موقع ملا، اور آنے والے 3 سالوں میں ہی پورے عرب کو پتا چل گیا کہ مسلمان ایک بھرپور قوت ہیں، مسلمان ایک مضبوط طاقت ہیں، مسلمان اور حضور علیہ السلام ایک مکمل نظام لے کر آئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کی شکل میں، اس معاہدے کی صورت میں ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے
हुजूर के सहाबा, हुजूर के गुलामों के अदब का और इस पूरे माहदे का, इसकी शिकों का और उसकी रोशनी में इस पर जो अकली चंद एहतमालात और इश्कालात थे उनका जवाब मैंने अर्ज़ किया। अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की बरकतों से माला माल फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम का, हुजूर की बारगाह का, हुजूर से नस्बत रखने वाली हर शय का मुकम्मल अदब करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم ابدا لا سيما على اولهم بالتصديق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ادل الاصحاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله الغالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعربن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الانصار والمهاجره
وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله، رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون.